मैम आप तो यूथ हैं, आप यूथ हैं, सरकार बन गई। अब लगातार कांग्रेस पार्टी ने दावा कर दिया कि ये सरकार जो है अल्पमत में सरकार है, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री की शपथ। पहले तो ये नू कहते भाई बीजेपी नहीं आने की, अब बीजेपी आगे तो 6 महीने में गिर जाएगी। कौन मेरा ससुरा गिरा देगा उसे हमारा शामिल आते। और दूसरा जो नू कह रहा ना कि मतलब पैसा की सरकार है, पैसा की कौन सी देगा है वो बता दो भाई। अगर पैसा की सरकार होती, नीतीश कुमार की सरकार होती या चंद्र नायडू की सरकार होती, उसमें मोदी जी नहीं बैठे थे, क्योंकि मोदी जी के फैसले से वे खुद अपने आप फैसले धर चुके कि भाई जैसे मोदी कहेगा ऐसे हम करेंगे। तो पैसा की सरकार कहाँ से हुई? और जो 6 महीने में सरकार बांट डालने की कह रहे, 6 महीने में सरकार कोई गिरने वाली नहीं है, जिसने 2 बार पहले आ लिया और तीसरी बार सरकार ला के दिखा दो 6 महीने में गिरने वाला। नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे क्योंकि अभी तक मंत्री नहीं। अरे भाई उसने पूरी जनता के सामने समर्थन रख दिया अपना, वो कैसे पलटी मार देगा? जनता नहीं है क्या फिर? जनता को नहीं दिखता क्या? जनता अंधी बैठी है, निरोल बुद्धि को अड्डा में जा रही नूदा बता दे। मैं तो आपको भी देखता था, आपके वीडियो देखता था, आप भी कहते थे 400 पार 400 पार, फिर उस 400 पार का भाई 400 पार ही मान। तो एक बात बता दे, थाने में सीट लगा कांग्रेस राज्य हो रही है अपने आप में, 240 उसके शेर की केले की आ रही। और जो अनुसानु कह रहा ना 400 पार ने, तो केले को छोड़ देना शेर को खड़े में, तो दूसरे को लाए क्यों? ये जो 28 का 28 कुत्तों को गैला में लेगा चल रहा भो भो करता, केला आता ना खड़े में क्यों नहीं आया केला? मतलब वो 240 केला लेगा बेटा, सबको जनता को साफ दी जा रहे। शेर राहुल गांधी या सोनिया गांधी कह रहे हैं मैंने शेर बेटा, अपने खटा खटपट अपने खटा, अबे जो कह रहे ना खटा खटपटा पट भी 80-100 रुपए 1 लाख रुपए। वे जनता जो लाइन में लगी पड़ी, लुगाई लाइन में पड़ी, अपनी फुफ्फी को नगे ना दिए रुपए क्यों लाइन में लगवा के बैठा बता भाई? आपने चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए 6 महीने, क्यों कर बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? 6 महीने में बावड़ा हो रहा है, दिमाग निरोड़ कंजर हो रहा है, जनता पढ़ी लिखी नहीं आएगी क्या? बिल्कुल भी कि 6 महीने बीच उसकी सरकार लाओगी, क्या सलाह देगी 6 महीने बीच उसकी सरकार? पढ़ी लिखी है जब तो राहुल गांधी कह रहे कि अब की बार धर्म की राजनीति नहीं चली, यूपी में सबक सिखा दे भाई। यूपी में सबक सिखाने की बात है ना, सबसे बड़ा धोखा करा तो अयोध्या वालों ने करा। दूसरी बात ये जो 4 साल की आर्मी है, 6 साल में वैकेंसी नहीं निकाल ली, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं निकाल ली, और तुम बाहर के कैंडिडेट ले जाकर यूपी में बिठा रहे हो और फिर वोट भी नहीं मांग रहे। बीजेपी वालों का घमंड टूटना भी जरूरी था। और जो उनसे कह रहे हैं ना ये अयोध्या वाले, हमारे घर टूटे, घर टूटने का एक तो वो दिखा दो पत्र कौन से घर टूटे, दूसरा जो आवास योजना में तुम्हें घर मिला उस वो भी दिखा दो, ठीक है ना? गांधी कह रहे युवा बेरोजगार था, 8-8 घंटे रील देख रहा था मोबाइल पे, इसलिए वोट नहीं दिया उसने। भाई जो सनू कह रहे ना युवा मतलब बेरोजगार है, बेरोजगार अपने कर्तव्य और अपने लक्षण के अनुसार है। हर साल वैकेंसी निकल रही है, SSC की ले लो, CGL की ले लो, हर चीज की वैकेंसी निकल रही, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकाल रही थी, वो बात अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं निकली। और रही बात उनसे रोजगार नहीं, भाई एक बात बता दे, पढ़ते लिखते है नहीं, फोन चलाते बिना फिल्म देखते मोदी थोड़ी रोजगार दे देगा? चल्ली अंडा वे चल्ली, कोई थोड़ी रोजगार मिल जाएगा मेरा भाई? इतना तो पढ़े लिखे तुम भी हो। और जोन सनू कह रहा ना रोजगार नहीं मिल रहा, दुनिया रील देख रही, साला खुली तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा, अपनी बाण का जनता का सभी पप्पी कर रहा। कौन है तो बता दे, अपनी बाण का कौन खुले, हम पप्पी करे इस बात पर? सबसे बड़ी कमी क्या रही है जो हाल हुआ बीजेपी, क्या कमी मानते हैं भाई? जो मतलब इनकी जो उत्तर प्रदेश में से कम सीट निकली, मैंने उसका रीजन आपको बता दिया, जो युवा 4 साल का वो वहाँ की आर्मी को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरा जो शिक्षक भर्ती नहीं निकली, लड़कियाँ मोस्टली क्या होता है, लड़कियों की जल्दी शादी कर देता है 22 या 23 साल की उम्र में, वो लड़कियाँ 28 साल की उम्र में अपने घर बैठी है, शिक्षक मतलब जो BTC BEd कर करके बैठी है, उसकी तो दिक्कत होगी ना मेरे भाई, हर किसी को नौकरी चाहिए। तो जो ये बात करें ना नेशनल लेवल की, हर साल वैकेंसी निकलती है, SSC की, CGL की, IAS की, PSS की, हर तरीके की वैकेंसी निकलती है। वो स्टेट लेवल की गलती तो योगी के अंडर में जो गलती रही शिक्षक भर्ती और आर्मी की, और किसी चीज की भर्ती की दिक्कत नहीं है। क्या लगता है मोदी जी इस बार भी फैसले ले पाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं अब की बार तो जनता की सरकार है, मोदी जी खुद फैसले नहीं ले पाएंगे, जनता खींचेगी टांग पकड़ के? भाई जो सानू कह रहा ना मोदी फैसले नहीं लेने का, वे जो पहले फैसले ले भी अब फैसले लेगा। अब क्या हुआ, 38 सीट निकली कि यहाँ तो अखिलेश की सरकार आ गई, बरेली में इस्लामिक झंडे लगाए। दूसरी बात ये जो साहब मुजफ्फरनगर में अभी 3 दिन पहले लड़की छेड़ी, खुले आम वीडियो बकायदा वायरल हैगी, उन्होंने क्या सोचा योगी तो गया मेरे भाई, खुले आम गाट पिटवा रखी और दूसरा खुले बुलडोजर बजवा दिए। 3 दिन के अंदर अंदर 17 एनकाउंटर और 61 पुलिस वाले सस्पेंड करे, तो कहाँ चली गई सरकार नु बता दे? आज भी तो वही कार्य कर रही जो पहले थी। बुलडोजर को सही मानते हैं, बुलडोजर चलने चाहिए भाई? क्यों नहीं चलने चाहिए? एक बात बता दे, किसी की दी बेटी की क्या गलत करेगा? नु कह रहे हमारे लड़के ने गलत करा, हमारी क्या गलती उसमें? उसमें संस्कार किसके जा, परिवार के जा? परिवार वाले चोरी छिपाओ से फिर भी बात करे अपनी औलाद से, तो मेरे भाई बुलडोजर से चलना
ठीक चला। एक आखिरी सवाल आपसे, यूथ है, मोदी जी को पसंद करने के पीछे क्या वजह? भाई देख, मोदी जी का पसंद करने के पीछे अगर आज मैं बताती हूँ, पहले तो हमारा सनातन धर्म, हमें धर्म मतलब हमारे धर्म के बारे में जागरूक करना, दूसरा जो बाबर मस्जिद को डुआ कर राम मंदिर का जो मतलब वहाँ खिलाफ जो वकील खड़े कर रखे थे, वो राम मंदिर की जीत हासिल कर रहा, और तीसरा ये जो लड़के और महिलाओं के लिए इन्होंने मतलब रेस्पेक्ट करवा रखी है, और क्या चाहिए। और जो से नुकरे ना देखो, शौचालय योजना बनवा रखी है, चौथा जो रोड के हिसाब देखे ना, उस टाइम का जो रोड थे 2013 का पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए और आज का हाल देख लीजिए। मंदिर की बात आपने की, मंदिर वालों ने तो हरा दिया भाई, मंदिर वालों ने 8500 रुपए के लालच में हराया ना, वो तो उनका लालच लेकर डूब गया। और रही बात जो उनसे ये कह रहा ना, मंदिर राम मंदिर के पर वोट मांग रहे थे, और राम मंदिर के पर वोट मांग रहा था तो बाबरी मस्जिद के पर वोट नहीं मांग रहा था मेरा भाई, ठीक है ना। बाबर मस्जिद के पर जो उन्होंने वोट मांगी थी वो चीज गलत है। और राम मंदिर की बात अगर करते हैं कि राम मंदिर के ऊपर मतलब उठाते कि राम मंदिर वालों ने उन्हें धोखा दिया, वो मैं भाई जिसे अयोध्या को कोई नहीं जाना था ना, आज तुम गूगल पर डालो अयोध्या की लाइन क्या और किस हिसाब से, ठीक है। यादव जी भी अब दिल्ली आ रहे, कह रहे मोदी अमित शाह को चुनौती देंगे। अरे जिसमें खुद चुनौती बना घूम रहा वो क्या चुनौती देगा। और रही बात जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हो ना तुम, उस अखिलेश यादव को एक बार सामने से खड़ा कर देना, जिसने 38 सीट हासिल करेगा ना, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ना एक सीट हासिल नहीं कर सकता। अगली बार देखा आपने पश्चिम में क्या हुआ, आप कह रहे एक भी सीट हासिल नहीं कर सकता। मेरे भाई 38 सीट हासिल करे 8500 रुपए के लालच में, जो लुगाई हो ना, मैं रियलिटी बता रही, जो महिला होती है ना इनकी बुद्धि घुटनों में रहे, क्यों ये रबू का लालच मांड है, जो 8500 रुपए के लालच में 1 लाख के रबू का लालच मांड है, ठीक है ना। अब ले लो ना जाके जो लाइन में लगे घूम रही, क्यों नहीं दिया भाई बताओ। देखिए ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोच है, ये लोग पूरा जोश में थे कि हम सरकार बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन इनको जो है बहुमत मिला नहीं। नीतीश जी को समझ में आ गया कि अब हम इतना पलट चुके हैं, अब पलटना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए नीतीश जी बहुत मजे हुए नेता हैं। उनको पता चल गया कि मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भी भविष्य सुरक्षित है, हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है और बिहार का भी भविष्य सुरक्षित है। इसलिए नीतीश जी ने, आपने देखा होगा, मोदी जी के पैर तक छुए, हम पूरे तौर पे आपके साथ हैं। और यही कांग्रेस जब मैंडेट आया, सरकार नहीं बनी थी, तो ये कह रहे थे कि नीतीश जी पलटेंगे पलटेंगे पलटेंगे, ना नीतीश जी पलटे ना चंद्रबाबू नायडू पलटे, और ये बोल रहे थे कि दबाव में सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने शपथ ग्रहण ले लिया, मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया तो तेजस्वी जी कह रहे हैं मोदी जी ने नीतीश जी को झुंझुना थमा दिया। वहाँ संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कम से कम TDP को अपना स्पीकर तो बना लेना चाहिए। मतलब इन लोगों ने खुद ही ये घोषणा कर दिया कि मोदी जी ने न तो दबाव में आकर के सरकार बनाया और न तो दबाव में आकर के मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाई क्या लग रहा है, फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके दबाव। देखिए एक बात कहना चाहूँगा, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई जरूर नहीं है कि हर डिसीजन जो है 100% आपका सही हो जाए। तो आप कोई डिसीजन लिए, उसमें कुछ आपको लग रहा है कि इसमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा हमको और चिंतन मनन करना चाहिए, और ये करके फिर दोबारा आगे बढ़ना, ये कोई गलत बात नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इसको मैच्योरिटी का परिचायक बोलेंगे, परिपक्वता का परिचायक बोलेंगे। और ये विपक्षी इस पर जो है, ये अपना जो कहते हैं ना कि इस पर जो ढिडोरा पीट रही है, ये है कि समीक्षा कर रहे हैं समीक्षा कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो है समीक्षा करना कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष कह रहा 6 महीने बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। अरे भैया मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं हुए। और एक बात आपको कह दूं, बहुत जल्द खत्म करने वाला हूं मैं, कि इससे पहले अटल जी की सरकार पहली बार 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने, फिर 99 से 4 तक 5 साल। और उस अटल जी की जो 5 साल की कार्य मतलब जो भी अटल जी का कार्यकाल था, उसके बाद 10 साल तक लगातार यूपीए की सरकार रही। उस समय यूपीए ने जितना अपने मैंने शासन का मतलब जो सिस्टम का UDCBI का जितना दुरुपयोग करना चाहिए करी, साध्वी प्रज्ञा को जेल में करवाया, वही साध्वी प्रज्ञा 2019 में जो है बरी होकर के भाईजत बरी होकर के आकर चुनाव लड़ी, मध्य प्रदेश से प्रचंड बहुमत से जीती, और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सिकंजा कसने का काम किया। लेकिन वहीं पे भाई अटल जी ने शासन चलाया ना, सरकार चलाई ना, मंत्रालय थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तमाम काम हुए, घोटाला होने के चांसेस बनते थे। एक मिनट खत्म कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप हमारे भाई छोटे भाई से पूरा ले लीजिएगा, एक डेढ़ मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, घोटाला होने के चांसेस बनते थे, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में आप बता दीजिए यूपीए ने किसी अटल जी के किसी मंत्री किसी नेता किसी के ऊपर जो है कोई जांच बैठा करके जेल में ठूसने का काम किया। इनको पता था कि हम इस पर उंगली उठाएंगे, मेरी उंगली जल जाएगी, मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये लोग अटल जी के कार्यकाल पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाने की जरूरत नहीं कर पाए।
और उस समय तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं मजबूत नहीं थी, आज तो दो बार प्रचंड बहुमत से सरकार और तीसरी बार भी 240 अकेले लेकर के आए। और उस समय परमाणु बम का परीक्षण अटल जी ने करवाया पोखरण में, यही विपक्ष कह रहा था कि बड़ा दबाव आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं कर पाए। कारगिल युद्ध आप जानते हैं, अटल जी के पास अमेरिका से फोन आया कि आप आ जाइए, पाकिस्तान आया है, बात कर लेते हैं। अटल जी ने कहा जब तक पाकिस्तान की सेना भारत में एक इंच की भूमि में बैठी है तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। और अटल जी ने कोई बात नहीं करी, अमेरिका से जाकर के कोई संधि नहीं करी। हमारे देश के जवानों ने कारगिल लड़ाई में विजय प्राप्त किया। तो तब तो गठबंधन की सरकार थी, अब तो दो बार प्रचंड बहुमत और इस बार 240, और नीतीश जी पलट भी जाए तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता बहुमत में। तो ये समझिए कि 5 साल सरकार अच्छे से चलेगी, कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। क्या कहेंगे अंकल, कांग्रेस पार्टी कह रही है जो सरकार है अल्पमत में सरकार है, जब चाहेंगे हम जो सरकार गिरा देंगे, क्या लग रहा है 5 साल पूरे कर पाएंगे? नहीं कर पाएगी। हाँ। स्टेबल सरकार नहीं है, बैसाखियों पे खड़ी है। हाँ। दूसरों के सारे पे है। जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सभी मंत्रियों पे मुकदमे दर्ज किए थे जिसने भी भ्रष्टाचार किया था। क्या ये सभी दूध के दूल्हे हैं? कोई दूध का दूल्हा नहीं है, बस ये दूसरी पार्टियों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं अपने किसी भी। आज तक एक सरकार तो उधर भी नहीं बन पाएगी, फिर क्या लग रहा है क्या दोबारा चुनाव होगा देश? दोबारा ही चुनाव होंगे, साल में हो दो साल में हो दोबारा ही होंगे, कोई स्टेबल सरकार के चांसेस नहीं है। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको चांस नहीं है? ये मेजोरिटी नहीं है इनके पास, ओवर कॉन्फिडेंस में थे ये, किसी के सुनते नहीं है हम, पर पहले भी बहुमत में ज्यादा थे तो ये चक्कर है। शपथ तो ले ली इन्होंने, मेजोरिटी जोड़ तोड़ करने में तो माहिर है हमेशा, तो शपथ लेने का ये मतलब नहीं है कि परमानेंट सरकार होगी। क्या लगता है कितने महीने में टूट जाएगी? 6 महीने साल चलेगी। अच्छा, बस क्या कहेंगे 6 महीने साल चलेगी टूट जाएगी? सर ऐसा है, इस देश में कोई पहली बार गठबंधन की सरकार नहीं चल रही है, जिसको ये बैसाखी की सरकार कह रहे हैं इनको शायद ये पता नहीं है कि जब 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी ना, तो मनमोहन सिंह के लोकसभा में सिर्फ 145 सीटें थी, यहाँ फिर भी 99 सीटें ज़्यादा हैं। ये लोग क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन वाला जो मामला है ना, वो सबसे खराब होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इन लोगों के पास नॉलेज है नहीं, आएंगे बकैती कर जाएंगे, फिर अपनी ही बातों में जवाब दे जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, अमित शाह जी हैं वो जोड़ तोड़ करके कर लेते हैं। तो भैया अमित शाह जी हैं, कोई सरकार कहीं नहीं जा रही है, 292 आई थी एनडीए, आज एनडीए 303 हो चुकी है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर नायडू और नीतीश दोनों एक साथ भी चले जाए तो भी हमारा आंकड़ा बहुमत से पार है, लेकिन वो लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि नायडू को भी ये पता है, एक परिपक्व नेता है और नीतीश भी एक परिपक्व नेता है, बीच में जो भी इधर उधर हुआ वो क्यों गए उसके भी कारण थे अपने। और आज एक ऐसी मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये पूरा 5 साल चलेगी सरकार। 2029 के लिए अब कांग्रेसियों को तैयारी करनी चाहिए, ना कि ये सोचे कि 6 महीने में ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें। राहुल गांधी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री होंगे देश? सर 6 महीने बाद प्रधानमंत्री होना हो, 6 महीने के अंदर में 3 बार बैंकॉक जरूर जाएंगे, मैं इतना बता देता हूँ आपको। पहले भी लोग यही कह रहे थे कि राहुल गांधी तो चुनाव हारने के बाद चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो रायबरेली गए, वायनाड गए, तमाम रैली कर रहे हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हारने के बाद कह रहे थे ना, वो जीत गए दोनों जगह से, तो इसलिए थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस है, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा 6 महीने में एक बार वो होकर आ जाएंगे। और अभी राहुल गांधी 6 महीने छोड़िए, 6 साल, क्या 2034 तक भी ये ख्वाब ना देखें कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के? क्यों नहीं, संभव नहीं है। क्या नाम है देश ने? यश। आप यूथ हैं, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार तो बन गई लेकिन 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चल पाएगी। अरे उनका क्या है, वो तो बोलने को 8,000 वाले वादे भी कर रहे थे, खटाखट अब दिख रहा है कितने दे दिए उन्होंने, 8,500 रुपए। लोग 5 तारीख के बाद से उनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं, अभी दिल्ली का कार्यालय भी घेरेंगे, देख लेंगे कितने देते हैं कितने नहीं, इनकी बात गधे की लाती है। सर मुझे एक बात बताइए, फिर पूर्ण सरकार क्यों नहीं बन पाई, कमी कहाँ रह गई? कहते रहे 400 पार, गलती मोदी जी की कहाँ रह गई? इन्होंने कहा, हमारे मोदी जी पहली बात तो झूठा वादा नहीं करते, उन्होंने आयुष्मान योजना चलाई, शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना चलाई, इतनी स्कीम चलाई, मगर उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं बोला, हम 8,500 रुपए देंगे, बस यही रह गई। अगर वो झूठा वादा कर देते तो यहाँ से भी वो जीत जाते, बस वो झूठे वादे, वो कहते ना दिन में तारे दिखाना, वो वाला काम नहीं उनका। उन्होंने बोला हम देश की सेना को ब्लड प्रूफ जैकेट देंगे, देश की सेना के लिए काम करेंगे, करा नहीं करा। रेलवे को वो करा, इलेक्ट्रिफिकेशन करा, काम करा नहीं करा। देश में इतना काम है, अब
देखने वालों को नहीं करने के बाद भी बहुमत नहीं आ पाया, बहुमत का नहीं आई, 244 आई तो सीटें, तीन दशक से 2014-19-2024 मिला लो, इनकी तो 200 भी नहीं बैठी, 195 बैठी है, हमारी तो 2024 की मिला लो, 2044 ही बैठी है। राहुल कह रहे इस बार यूथ में गुस्सा था क्योंकि मोदी जी रोजगार नहीं दे पाए। योगी मैं ये कहूँगा अगर राहुल गांधी की सत्ता आती वो कितना रोजगार देते। और बात रही रोजगार की, सरकारी रोजगार किसी को नहीं मिल सकता, एक सीट पर 4000 बंदे लड़ते हैं, एक सीट ही मिलती है। अब इधर 10 जने हैं, 10 जनों का अगर हम ब्यूरो करें सबकी मेंटेलिटी अलग मिलेगी, मगर मैं कह रहा हूँ ये अंकल मैं ये सारे क्वालिफिकेशन सेम है, स्किल नाम की भी चीज़ होती है, अगर स्किल नहीं होगी तो इन्हें मिलेगा क्या, ठेंगा, स्किल बहुत ज़रूरी है। 5 साल पूरे हो पाएंगे, 5 साल 2029 भी देख रहे हैं मोदी जी को जीतते हुए, आने दो, ये वाली पूर्ण बहुमत से नहीं जीती, 2029 तो पूर्ण बहुमत से, और अगली साल देख लेंगे 2024 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है कौन जीत जाएगा। देखिए जैसे अभी आपने अग्निवीर की बात करी है, एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट ही कंसीडर ऑफ दैट थिंग्स। मैंने कहा ना कि 100% परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें सुधार करना समीक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे देश में एक सिर्फ सेना ही तो नहीं है, किसी उसमें वैकेंसी है, और भी सारे विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब यदि इसमें कोई आना चाहता है, भाई जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई और एग्जाम बीट कर सकते हैं, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, एक मिनट, क्षमता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, आप कोई और एग्जाम चूज करिए, कोई और भर्ती चूज कीजिए, आप अग्निवीर में क्यों आ रहे हैं? और आज अग्निवीर में आप 18 साल में मान लीजिए भर्ती होते हैं, 5 साल 22-23 साल में आप रिटायर होते हैं, तो 22-23 साल के बाद 35 साल आईएएस का बचा है, पीसीएस का बचा है, एसएससी का बचा है, आपके अंदर टैलेंट है वो भी कर लीजिए।